आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ नमस्कार दोस्तों डॉक्टर में आपका स्वागत है इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे मैं ट्रायंगल गिवन है एडी इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू बी ई डी एंड ई लाई ऑन ए ठीक है इफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज सिक्स सेंटीमीटर then the एरिया ऑफ the shaded रीजन is what ठीक है तो क्वेश्चन में हमारे पास इक्वलिटल ट्राइंगल है ये मैंने ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें गिवन था उसमें फिगर थोड़ी क्लियर नहीं थी इमेज तो मैंने यहाँ पे मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया है ठीक तो है तो ये सेम ही फिगर है तो ये क्वेश्चन का ही फिगर है ठीक है तो यहाँ पे हमको यहाँ पे जो शेडेड रीजन है जो मैंने यहाँ पे कलर कर रखा है इसको हमें इसका एरिया में फाइंड करना है तो ये ए बी सी इक्वलिटल ट्राइंगल है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है साइड हमें गिवन है सिक्स सेंटीमीटर है ठीक है साइड्स आर सिक्स सेंटीमीटर और ये भी ये पूरा हमारे पास ये भी सिक्स सेंटीमीटर है ठीक है ये हमारा सिक्स सेंटीमीटर है ठीक है अब यहां पे देखो ये तीनों जो है ये डी और ई जो है ए बी को ट्राईसेट कर रहे हैं तो ये जो है तीन इक्वल हाफ्स में होंगे तो ये हमारे पास जो है तीनों साइड जो है ये टू, टू, टू होंगे, ये भी टू ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ये भी टू सेंटीमीटर ठीक है पे मैं नोट इसलिए कर रहा हूं ताकि किसी प्रकार का कोई ना हो अब यहां पर हम शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे देखो इक्विटल ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं और बीच में जो वाइट जो है जो नॉन शेडेड रीजन है उसका एरिया हम फाइंड कैसे करेंगे उसका हम यहाँ पे हाइट यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे फिर उससे फिर इसका हम ट्राइंगल का फाइंट फाइंड करेंगे फिर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें शेडेड एरिया हमें देगा ठीक है अब यहां पे मैं हाइट ड्रॉ कर लेता हूँ ये बिल्कुल ए बी के परपेंडिकुलर है ठीक है तो ये जो हाइट मैंने ड्रॉ करी है और ये जो पॉइंट आएगा इसको भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ दे देता हूँ ठीक है तो ये जो है ये मिड पॉइंट है ए बी का तो ये जो लेंथ होगी ये लेंथ हमारी थ्री सेंटीमीटर होगी टू सेंटीमीटर जो है वो यहाँ से यहाँ तक है तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मेज़र कर दिया है तो यहाँ पे ए एफ सी जो है ये राइट एंगल ट्रा फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे और ये एंगल जो है ये हमारा सिक्सटी डिग्री होगा क्योंकि इक्वलिटल ट्रा में तीनों एंगल्स सिक्सटी डिग्री होते हैं एंगल्स इक्वल होते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर ए एफ सी में मैं टेन सिक्सटी अगर अप्लाई करूँगा इन ट्राइंगल ए एफ सी टेन सिक्सटी विल बी इक्वल टू सी एफ अपॉन ए एफ ठीक है सी एफ हमें यहां पे फाइंड करना जो कि इसकी हाइट है इसकी height को मैं एच अपॉन थ्री और टेन सिक्सटी की वैल्यू हमें पता है रूट थ्री इज इक्वल टू एच अपॉन थ्री तो हाइट जो आएगी हाइट ऑफ ट्राइंगल ए एफ सी विल बीवल टू थ्री रूट थ्री एक्चुअली ये जो हाइट है ये ट्राइंगल ए बी सी की ही बन रही है थ्री रूट थ्री सेंटीमीटर ठीक है तो ये हमें हमारे पास हाइट मिल गई बट हम ये ट्राइंगल डी ई सी में यूज करेंगे ठीक है तो बस अब यहाँ पे इक्वलिटल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे इक्वलिटल ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे ये होता है हमारे पास रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर ए हमारे पास यहाँ पे कितना है सिक्स सेंटीमीटर सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स रूट थ्री अपॉन फोर इसको कैंसिल करेंगे यहां पे बचेगा नाइन तो यह नाइन रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ठीक है अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई फिर इनका जो डिफरेंस होगा वही हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया हो जाएगा तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी e, यही नाम है सी सी डी हाँ ठीक है सीई डी e, तो इसका फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अब इस ट्राइंगल में हाइट तो हमने फाइन कर लिया है बेस क्या होगा बेस होगा यहाँ पे वही हमारा टू सेंटीमीटर ये बेस होगा हमारा टू सेंटीमीटर ठीक है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हाफ बेस को यहाँ पे टू सेंटीमीटर पुट कर देते हैं हाइट हमें गिवन है थ्री रूट थ्री ठीक है टू से टू कैंसिल हो गया यह आ गया हमारे पास कितना थ्री रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर तो हमें क्या फाइंड करना था रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या है रिक्वायर्ड एरिया इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन शेडेड रीजन तो ये क्या आ जाएगा इन दोनों एरिया का डिफरेंस इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस द एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडी इक्वलिटल ट्राइंगल का एरिया कितना है नाइन रूट थ्री